हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों दुकान खोल दिए हैं और लिस्ट वोस्ट सब कुछ बना बना के अब गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी बहुत ही उधारी उधारी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आजकल ज़्यादातर। उधारी में सामान नहीं रखना है, नहीं रख रहा है बोलते हैं, पर नहीं रखने से दुकान चलेगा नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ उधारी सर पर रहेगा ही रहेगा जैसे लगता है। जैसे कि अभी 500 रुपये उधारी में हूँ, बिक्री हुआ है 1000 रुपये, तो 500 रुपये उधारी कर जाएगा, 500 रुपये में क्या सामान आएगा। और रखना पड़ेगा मुझे सामान 1100 का, तो कम से कम जैसे करके 100 रुपये बढ़ता ही है हमेशा। 500 रुपये उसका माइनस हो जाता है उधारी में, फिर 600 रुपये में कुछ ना कुछ सामान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से बढ़ते 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 बढ़ता ही जाता है सामान, मतलब उधारी रोज़ का। जैसे कि आज कल ऐसे हुआ था, कम था उधारी, फिर सामान रख के 100 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। फिर आज भी ऐसे ही है, सामान रखूँगा, सामान ज़्यादा रखना है, पैसा कम है, तो उधारी में कट जाएगा, फिर आधा सुधा जो होगा वो उधर का, और कुछ कुछ आज फिर उधारी में बढ़ जाएगा। ऐसे ही कुछ होते जा रहा है, होते जा रहा है। देखिए सामान बहुत खाली खाली लग रहा है, बिस्किट उस्किट बहुत सारे रखे नहीं हैं अभी। एक ही बार कब रख पाऊंगा पता नहीं, एक ही बार ज़्यादा मंगा पाता तो इतना मुश्किल नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो मेरा इस सिगरेट बीड़ी सब में ही घुस जाता है, और ज़्यादा से पैसा 70% पैसा मेरा इसमें घुसता है और बाकी इधर। तो देखते हैं अभी कब तक आता है दुकान वाला, और वही दिन भर का मेरा चलेगा, तो देखते रहिए। तो दोस्तों 12 बजने वाले हैं अभी, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अभी भी, सॉरी। दिमाग में कल से वही चीज़ घुस गया कि कुछ कर पाऊँगा या नहीं, तो कुछ और चीज़ में मन नहीं लग रहा अभी। मुझे सब कुछ सीखना था, जैसे कि डांस हो गया, बचपन में मुझे कराटे सीखना था पर मेरी माँ मुझे सिखाई नहीं, एडमिशन नहीं की। उसके बाद डांस भी किया था, डांस भी हो नहीं पाया। तो दोस्तों बहुत कुछ करना था मेरे को, शौक था, इसलिए बांसुरी खरीद लिया क्योंकि टाइम मिल गया था मैं सीख लूँगा, पर वो भी नहीं हुआ। अभी एक वीडियो देखा, उसमें एक बच्चा को बांसुरी बजाते हुए देखा, रोना आ गया। मस्त बजा रहा था और मुझे लगा कि काश मैं बजा सकता। पियानो खरीदा है, वो भी रह गया। बहुत कोशिश खरीद के रखा था पर सब कुछ अधूरा रह गया, कुछ कर नहीं पाया। शायद मैं इस चीज़ के लिए ही, इस फील्ड में ही मैं शायद बना नहीं हूँ, उसके लिए शायद मेरे से ये सब कुछ हो नहीं रहा। बाकी को देखता हूँ तो अकेले से बहुत कुछ कर लेते हैं, पर अकेले भी कैसे करेंगे, जब तक उसको आदमी ना मिले तब तक कोई नहीं कर सकता, अकेले कुछ भी नहीं हो पाएगा। अकेले कोशिश कर सकते हैं पर अगर सामने वाला अगर कोई तैयार ना हो तो ऐसे कुछ अकेले कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ हमेशा, पर मेरा भी ऐसे ही हो रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। सभी सपने टूट चुके हैं, अभी जो सोच रहा हूँ ये वाला अभी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, जो लास्ट और फास्ट जो सोचा है वो भी पता नहीं होगा या नहीं, वो भी गारंटी नहीं है। ये देखिए दोस्तों मेरे बच्चे अभी आ चुके हैं, ये आ गए। दोस्तों 4 बजने वाला है और मेरा नींद इतना भयंकर लग रहा है कि अभी तक नींद मेरा गया नहीं है। थोड़ा 1 सेकंड में नींद आ जा रहा है मुझे, और अभी तो मैं सपना देख रहा था ऐसे ही कि एक कस्टमर आया और मुझे ठंडा मांगा, कोल्ड ड्रिंक्स मांगा, तो मैं आँख खोल के सीधा फ्रिज तक पहुँच गया था। फ्रिज तक पहुंचने के बाद फ्रिज खोल रहा हूँ, उसके बाद याद आ रहा कि नहीं कोई दिख नहीं रहा, मतलब
बाद में याद आएगी कि यार सपना देखा था, तो इतना भयंकर नहीं आ रहा है। रात को रोज अभी रात के 12 बज जा रहा है और रात को बच्चा उठाते रहता है, दूध बनाने के लिए उठना पड़ता है 2-3 बार। नींद कंप्लीट नहीं हो रहा, पूरा अधमरा अधमरा लग रहा है। सपना में आके कोल्ड ड्रिंक मारा था, मैं सही में पहुंच गया था लाने के लिए। देखिए मेरा आँख कैसे दिख रहा है। उफ़ो। देखिए मेरे बेटे अभी उठ चुके हैं। कहाँ है? देखिए इसी के चक्कर में मेरे बेटे को काटा था। कुत्ता है, इसी के चक्कर में इसको काटा था कुत्ता। इसी कुत्ता का माँ काटा था इसको। ये भी बड़ा हो गया था ये तो। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज चुके हैं और जा रहा हूँ दुकान बंद करने। सब ये सो गया है। मुझे भी भयंकर भयंकर मतलब बड़ी भयंकर नींद हो रहा है। बुखार बुखार टाइप का लग रहा है। सर्दी भी पकड़ लिया अचानक का, पता नहीं आज छींक बहुत ज़ोर से लग रहा है। छींक भी बार बार आ रहा है और सर्दी भयंकर हो गया। तो अभी जो कार बंद कर रहा हूँ दोस्तों, जाना है सीधा दुकान बंद करके, सीधा जाके आज थोड़ा अच्छे जाके जल्दी सो जाएंगे। पता नहीं खाना भी खाऊंगा कि नहीं, भयंकर भूख लग रहा है फिर भी। तो बने रहिए, मैं दुकान बंद करके जाता हूँ घर। तो दोस्तों आज देखिए सोया नहीं है, सोया नहीं है, सिलाई कर रही थी शायद अभी रात को। माँ पिताजी भी सोए नहीं है आज, और मेरे तीनों बेटे सो चुके हैं। देखिए ये देखिए, एक लंपर पड़ा हुआ है और ये बीच वाला है और ये छोटा, ये अभी सपना देखा था, चिल्ला के उठा उठ गया था फिर सो गया। तो दोस्तों अभी मैं खाना ले आता हूँ, उसके बाद खा के जल्दी सो जाऊँगा। कोई सोया नहीं है, सिर्फ दाल है और कुछ नहीं है। तो निकालता हूँ थोड़ा सा फिर खा जाऊँगा भात। टमाटर खाऊँगा, टमाटर टमाटर थोड़ा सा दाल देने से अच्छा लगेगा, इसी के साथ खा जाऊँगा। तो निकालते हैं खाना फिर चलते हैं। हेलो, इसका कल से एग्ज़ाम है और ये उसी का तैयारी कर रहा है। देखिए प्लस 3 गवर्नमेंट कॉलेज पानपोस। तभी रात को पड़ेगा कुछ देर, उसके बाद ये एक रात में टॉप करेंगे। तो चलते हैं, हमें खाना खत्म हो गया, नींद हो रहा है बहुत जोर। तो खाते हैं खाना, उसके बाद दोस्तों सो जाएंगे। एलडी भी करना बाकी है, आज थोड़ा सा जल्दी आया हूँ शायद। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करेंगे। हम मिलेंगे कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय श्री राम।